आप शुरू कर दो जयंत जी। सर देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में बताएं पहले तो, आप क्या चल रहा था देश में? बहुत क्या चल रहा है आप देख ही रहे हो, एक क्रूर मजाक हुआ है बच्चों के साथ, बिना किसी योजना के, बिना तैयारी के, बिना अध्ययन के, बिना संवाद स्थापित किए इतना बड़ा परिवर्तन देश में नहीं हो सकता। और आर्मी जैसी संस्था पे जिसका देश का इतना बड़ा विश्वास उस संस्था के साथ जुड़ा है, इतनी पुरानी संस्था है, विश्व भर में हमारे सैनिक जब तैनात होते हैं, यूएन में जाते हैं, पीस कीपिंग मिशन में जाते हैं, तो अपना नाम और ऊँचा करके आते हैं, ऐसी संस्था के साथ खिलवाड़ करने की जरूरत नहीं थी, इतने बड़े परिवर्तन लाने की जरूरत नहीं थी। पेंशन बिल पे आप कंजूसी ना करें, मेरा निवेदन है। वन रैंक वन पेंशन को मुद्दा बना के आप सरकार में आए थे और आज पेंशन को पूरी तरह से रोकने की आपकी मंशा है। मेरा तो ये भी मानना है कि सिर्फ ये शुरुआत है, इसके बाद हर राज्य सरकार शायद पुलिस वालों की भी पेंशन रोक दे, कहे कि 4 साल की संविदा पे आ जाओ, क्या करेंगे पुलिसकर्मी? अगर स्वास्थ्य विभाग में, शिक्षा विभाग में, सभी सरकारी डिपार्टमेंट में सिर्फ ठेका प्रथा से आपको लोग रखने होंगे तो सरकार की क्या कार्यकुशलता बच जाएगी? तो इसलिए ये जनता के लिए यही विकास का माध्यम है। हमारे देश में अभी भी अभाव के जीवन है, गरीब और अमीर के बीच बहुत अंतर है, सरकार पे बहुत लोग निर्भर रहते हैं और सरकारी सेवाओं का अगर स्तर में इतना भारी गिरावट आ जाएगा तो ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। मेरी उम्मीद है सरकार पीछे हटेगी। सर केंद्र सरकार मोदी जी को जिन्होंने भी गलत एडवाइस दिया, ये खुद ही उनका आइडिया है, मैं नहीं जानता, उन्हें पीछे हटना चाहिए। सर केंद्र सरकार की योजना थी किसानों की आय दुगनी करने को लेके, उस पे आपको क्या लग रहा है कहां काम हुआ है सरकार को? एक बड़ी कमेटी बनाई गई, बड़ी रिपोर्ट बनाई गई, बड़े बड़े दावे किए गए, 2022 तक आय दुगनी होनी थी जो नहीं हो रही है, लागत जो है 300% बढ़ गई किसानों की। और आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं कि जब गेहूँ के भाव में उछाल आया, रात में जाके उन्होंने एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगा दिए। आलू के निर्यात पे 2015 उन्होंने जब आई थी सरकार, 2015 में ही उन्होंने प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए थे। तो जब किसान को फसल का वाजिब मूल्य मिलना शुरू होता है तो सरकार एकदम व्यापार पे अंकुश लगा देती है, तब उन्हें खुला व्यापार नहीं चाहिए। स्टील पे, सीमेंट पे, जो चीज़ बड़े बड़े उद्योग बनाते हैं उन पे, उनके निर्यात पे कभी प्रतिबंध लगा है देश में? कभी नहीं लगा, कभी नहीं लगेगा। लेकिन जो 2 बीघे का 3 बीघे का काश्तकार जो खेती कर रहा है उसे कभी खुले व्यापार का फायदा नहीं होगा।